हमारे वहां तो पधारे हमारे मंडला उपयुक्त कप्तान साहब कुजोर साहब विभिन्न ग्रामों से आए हुए प्रधान और हमारे द्वार प्रमुख हुआ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और स्कूलों से प्रतिभा करने वाले बच्चों और इस गांव के निवासियों हमारे लिए गर्व की बात है कि आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच हमारे मंडला महोदय आए हैं। मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि की ओर ज्यादा नहीं ले जाना चाहूँगा, केवल इतनी बात कहना चाहूँगा कि ये मंडलायुक्त महोदय और मेरठ मंडल के मंडलायुक्त जी की सोच का परिणाम है कि आज हम इसका शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये केवल कृष्ण और हिंडन की बात नहीं है, ये इसके सहारे से यमुना नदी की बात है और ये पूरे हमारे पर्यावरण की बात है। और अगर स्वार्थी हो गए हैं तो हमारे गांव की बात है, हमारे घर की बात है और हमारे परिवार की बात है। जिन लोगों का ग्रामीण पृष्ठभूमि है वो इस बात को समझ सकते हैं कि अपने बचपन में जितनी हरियाली, जितनी ऑक्सीजन, जितनी साफ सफाई, जितना स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पेयजल और जितनी हरियाली हम पाते थे आज के समय में उतनी नहीं है। धीरे धीरे हमने इसको समाप्त किया है। अब एक पहल की जा रही है कि पूरी यमुना नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं जो दूषित हो गई है, जो छोटे छोटे तालाबों, छोटे छोटे झीलों, प्राकृतिक जल स्रोतों से बनती हुई निकलती हुई और कहीं ना कहीं हमारे गांव, हमारे घरों के आसपास से गुजरती हुई हमारी खेती बाड़ी के लिए, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जिसका योगदान है, तो कहीं ना कहीं हमारे आपके लापरवाही के कारण, हमारे और आपके स्वार्थ और लालच के कारण प्रदूषित और खराब हो चुकी है। कृष्णी नदी अंत में जाकर हिंडन में मिलती है और हिंडन नदी यमुना नदी में मिलती है। आज स्थिति यह है कि यमुना नदी पे जहाँ पर हिंडन मिलती है उसके बाद ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो जाता है कि जलीय जीव जंतुओं पर भी बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। कमिश्नर साहब ने हम सब ने कोई इकट्ठा किया है और प्रेरणा स्रोत बने हम लोगों के लिए कि हम इसको अपने हिस्से की जिम्मेदारी, अपने हिस्से का हक अगर हम अदा करके अपने आसपास के परिवेश को बचा लेते हैं, अपने आसपास की नदी को बचा लेते हैं और एक से एक बड़ी रोटी चली जाती है तो हम कश्मीर को भी बचा लेंगे, हिंडन को भी बचा लेंगे और यमुना को भी बचा लेंगे। तो इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है, ये एक अंतिम उपाय के रूप में है और इसको एक सरकारी कार्यक्रम के बजाय एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम बने बिना कोई भी सरकारी कार्यक्रम असली मायने में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, आप असली मायने में उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर एक कार्यक्रम होता है कि वन विभाग वृक्षारोपण करे, एक कार्यक्रम होता है सरकारी विभाग वृक्षारोपण करे। ये वृक्षारोपण बहुत दिनों से होते चले आ रहे हैं और उनका क्या परिणाम रहा है ये बहुत सुखद तो नहीं कहा सकता। बहुत सारे वृक्ष सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे वृक्ष मर जाते हैं, हम पलट कर नहीं देख पाते, हमारी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। लेकिन जब आप उससे जुड़ जाते हो और आप उसके माध्यम से आकर इसको देखते हो तो निसंदेह उसका बहुत बड़ा परिणाम आपको देखने को मिलता है आने वाले समय में। कई बार बच्चे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। महाराज महोदय के साथ उनकी बच्ची है, मुझे याद है कई बार बच्चे हमको सबक देते हैं। मैं लखनऊ में तैनात था, अपनी बिटिया को स्कूल लेने गया था, उसने कहा आइसक्रीम खिलाई है, हमने आइसक्रीम खिलाई है, उसके बाद हमने उसको गाड़ी का शीशा नीचे करके और उसके कवर को कप को पैर पर सूख दिया। आज से 7 साल 8 साल पहले उसने हमको उसी समय टोका और उसने कहा कि अब मैं आपसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक आप ये संकल्प न ले लें कि आप कभी भी सड़क पर गंदगी नहीं करेंगे। और वो बात जो सबको माननी चाहिए, जिसको सीखने सिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत देर बाद हमको समझ में आई, हम उसको सीख पाए। और ये उदाहरण मैं बार बार इसलिए कोट करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सीखने और सिखाने के लिए बहुत कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती, बहुत साधारण लोग हमको वो सिखा कर चले जाते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को भी उसके माध्यम से प्रेरित करते रहेंगे कि इसका महत्व है तो आगे चलकर वो कम से कम अपने जीवन में वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो जाने अनजाने हम लोग करते रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी प्रतिभाग कर रहे हैं। हिंडन कृष्णा नदी को बचाने के लिए ये केवल अकेला प्रयास नहीं है, उसके अलावा एक कोष की स्थापना की जा रही है और उस कोष के माध्यम से जो नगरीय ठोस अवशिष्ट नदियों में जा रहा है या जहाँ पर तरल अवशिष्ट जा रहा है नदियों पर उसको ठीक करने के लिए जहाँ पर जितनी आवश्यकता हुई प्लांट इत्यादि लगाने की वो भी आगे की योजनाओं में शामिल है। लेकिन उसके अलावा जब तक हम स्रोत से किसी नदी को शुद्ध नहीं रखते
तब तक उसी बनी हो सकती है। अदरवाइज हम मर्ज बढ़ता ही गया क्योंकि महाराज हम साफ करते रहेंगे, आप गंदा करते रहेंगे और चीजें कभी साफ नहीं हो पाएंगे। तो आज इस गांव के लोग अगर संकल्प लेंगे और इसके साथ हमारे 22 गांव के प्रधान जो संकल्प ले चुके हैं उसको जनजन तक पहुंचा ले जाए कि हम अपनी नदी को पूछ मानेंगे, उसके पानी को प्रदूषित नहीं करेंगे, उसको गंदा न करेंगे न करने देंगे, आस पास वृक्ष लगाएंगे और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। तो मुझे लगता है हमारी जो बच्चों वाली पीढ़ी है जो छोटे दिनों में कुछ दिनों में किशोर बनेंगे और फिर युवा बनेंगे, उनके समय तक ये नदी वापस अपने पुनर्जीवन को प्राप्त कर लेगी। तो हिंडन फॉरेस्ट की जो स्थापना की गई है उसका मैंने आपको अकाउंट नंबर भी बताया है, जिन लोगों को जिस रूप में उसमें सहायता देनी हो वो अपनी सहायता दे सकते हैं। आने वाले समय में हम एक और आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें इस नदी के आसपास के जितने ग्राम हैं उनका हमें कॉन्फ्रेंस एक सेमिनार करेंगे और उसमें ऐसे विशेषज्ञों को बुलाएंगे जो आपको जैविक खेती के बारे में जानकारी देंगे। जैविक खेती अगर आप करने लगोगे और उसके फायदे समझने लगोगे तो मुझे लगता है आप पर्यावरण को इस तरीके से भी बचा पाओगे। जैविक खेती न केवल पर्यावरण के लिए लाभदायक है बल्कि आर्थिक रूप से भी आपके लिए लाभदायक, अगर आप उसके बाजार को समझ पाते हो तो अगर आप उसको समझ लोगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में वो परिवर्तन भी हम अपने आसपास घटित कर पाएंगे, उसको अपने आसपास उसको अंजाम दे पाएंगे। इस आयोजन में अपना बहुमूल्य समय निकालकर आप सब लोगों के लिए आने के लिए मैं जनपद की ओर से जिला प्रशासन की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मंडलायुक्त जी ने बहुत सारी परिस्थितियों के बावजूद जो इधर घटित हुई है आज का ये वक्त हमारे लिए निकाला है। यहाँ पर वो कई बच्चों का उन्होंने न केवल वृक्षारोपण किया है वरन छोटे छोटे बच्चों के साथ जाकर उनका उत्साहवर्धन किया है, ग्रामीणों का उत्साहवर्धन किया है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से और अपने संपूर्ण जनपद की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ये अपेक्षा रखता हूँ कि जब कभी हम याद करेंगे उनको वो हमारे बीच आएंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। और मैं उनको आप लोगों की ओर से आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि ये केवल वन महोत्सव तक सीमित नहीं है हमारा अभियान, ये 7 दिनों 8 दिनों तक सीमित नहीं रहेगा, इसको हम अपनी दिनचर्या का अंग बनाएंगे और इसके और बहुत सारी गतिविधियों को जोड़ेंगे ताकि केवल वृक्षारोपण तक सीमित न रह जाए। एक बार पुनः सर मैं आपको जनपदवासियों की ओर से धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर पधारे हुए मीडिया बंधुओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसको कवर किया है और अपना यह संदेश वो बाकी गांव वालों तक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचा पाएंगे। विद्यालय के प्रबंधक और जो उनके टीचर्स आए हैं तो बच्चों के माध्यम से उसको पहुंचा पाएंगे। एक बात जो छूट रही थी सर उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, हम अपने जनपद में सर एक पॉलिथीन फ्री अभियान चलाना चाहते हैं क्योंकि सरकारी तौर पर तो पॉलिथीन को बैन कर दिया गया है लेकिन नगर पालिकाओं की ओर से और ग्राम पंचायतों की ओर से या जो इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी हैं उनकी ओर से उसको इम्प्लीमेंट किए जाने में भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। हम ये कोशिश कर रहे हैं सर कि 15 दिन का एक पखवाड़े का हम एक अभियान चलाएं जिसमें हम केवल जागरूक करें लोगों को कि स्वेच्छा से इसका परित्याग करें, जिसमें व्यापारिक संगठन दुकानदार और अन्य लोग हैं उनको हम प्रेरित करना चाहेंगे कि स्वेच्छा से छोड़ दें, अगर वो छोड़ देते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज 15 दिन बाद पर हम 1 सप्ताह का अभियान चलाएंगे जिसमें हम उनसे जो उनके पास पॉलिथीन है उसको अगर वो हमको डिपॉजिट कर देते हैं तो उन पर कोई चालान नहीं करेंगे, अगर वो नहीं करते हैं तो सर फिर अगले 1 सप्ताह बाद 5,000 रुपये का जुर्माना, उसके बाद दोबारा पकड़े जाने पर 5,000 जुर्माना और तिवारा के लिए हमने सर FIR का प्रोविजन रखा है जो कानून में वर्णित है। तिवारा अगर कोई व्यक्ति हमको दंड भी देना चाहेगा तो हम उससे दंड वसूलने के बजाय उसके खिलाफ FIR भी कराना चाहेंगे ताकि इस को हम इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से कर पाए। तो मैं चाहूंगा सर इस ओर भी आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, आपका संरक्षण मिलता रहे तो हम इसको भी बेहतर तरीके से अपने जनपद में लागू कर पाएंगे। एक बार पुनः यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावों को और माननीय मंडलायुक्त को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।